हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम स्टैंडर्ड 12th कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर HTML फॉर्म के अंदर जावास्क्रिप्ट और CSS को कैसे ऐड करना है वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक हमने एक HTML फॉर्म बनाकर रेडी रखा हुआ है। तो हम सीधा वहाँ पे अपनी जावास्क्रिप्ट को ऐड कैसे करना है और जावास्क्रिप्ट को हम कैसे लिखेंगे पर्टिकुलर फॉर्म रिगार्डिंग्स एंड CSS कैसे अप्लाई करेंगे वो हम इस फॉर्म के ऊपर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जैसे कि बताया कि मैंने यहाँ पे पूरा फॉर्म रेडी करा हुआ है, जावास्क्रिप्ट भी ऐड करके रखी हुई है, सिर्फ CSS ऐड करनी बाकी है जो हम यहाँ पे लाइव देख लेंगे कि कैसे ऐड करना है और कहाँ पे हमें वो CSS के टैग्स और वो सब लिखने हैं वो। और जावास्क्रिप्ट सिंपल हमें मेनू में से ऐड ही करना है, तो वो तो एकदम सिंपल ही है कि कैसे ऐड करेंगे वो। तो चलिए देखते हैं हम कैसे काम करेंगे। तो ये मैंने एक यहाँ पे एक समर कैंप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया हुआ है, हालांकि एक डेमो परपज है। तो यहाँ पे जैसे मैं फॉर्म आइकॉन पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकोगे कि मेरा यहाँ पे फॉर्म का नाम जो भी मैंने मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मेरा फॉर्म नेम यहाँ पे अंकित है और एक्शन URL में मैंने अपने सेकंड पेज का नाम लिखा हुआ है second.html। यानी कि जैसा मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा, रजिस्टर पे क्लिक करूँगा मेरे बटन के ऊपर, तो ये second.html वाला पेज जो होगा वो कॉल होगा और वहाँ पे सेकंड पेज डिस्प्ले हो जाएगा आफ्टर क्लिकिंग ऑन माई रजिस्टर बटन। ओके, जब भी हम जावास्क्रिप्ट किसी भी HTML फॉर्म के अंदर अप्लाई कराना चाहे तो सबसे ज़रूरी बात है कि हम एडवांस एडिट में जाना है। एडवांस एडिट में जाने के बाद यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इवेंट पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा रिटर्न वैलिडेट फॉर्म। इट्स अ कंपल्सरी, अगर ये लिखा हुआ नहीं होगा तो आपकी जावास्क्रिप्ट वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगी। इट्स अ कंपल्सरी टू राइट हियर रिटर्न वैलिडेट फॉर्म। ये काम क्या करेगा कि जब भी आप वहाँ पे ऑन सबमिट यानी कि सबमिट बटन पे, जो भी हम वहाँ पे रजिस्टर या सबमिट बटन जो हम ले रहे हैं वहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो, तो यहाँ पे एक इवेंट जनरेट होगी, ऑन सबमिट वाला इवेंट हैंडलर वहाँ पे जनरेट होगा और वो क्या करेगा कि आपका फॉर्म का वैलिडेट है या नहीं वो चेक करेगा थ्रू दिस फॉर्म जो आपने वहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट किया हुआ है पूरा फंक्शन। तो फंक्शन है वहाँ पे वैलिडेट फॉर्म, तो वो क्या करेगा वहाँ से उसके मुताबिक चेक करेगा कंडीशंस कि आपकी जो भी आपने कंडीशंस लिखी हुई है पर्टिकुलर इनपुट एलिमेंट के बारे में क्या वो फुलफिल हो रही है। अगर है तो वो फॉर्म सबमिट होने देगा, अगर नहीं होगी कुछ इनवैलिड वैल्यूज या फिर गलत वैल्यूज आपने लिखी हुई होगी तो वहाँ पे वो एरर मैसेज दिखाएगा। इट्स अ कंपल्सरी टू राइट रिटर्न वैलिडेट फॉर्म। यहाँ पे ओके और यहाँ पे फॉर्म भी ओके हम क्लिक करें तो यहाँ पे वन बाय वन सारे एलिमेंट्स, इनपुट एलिमेंट्स और ये फील्ड वैल्यूज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताई हुई है, तो वन बाय वन आप इस हिसाब से अपना फील्ड वैल्यूज ले सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने अपना काम किया हुआ है टेबल के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे टेबल लिया हुआ है और टेबल के ऊपर मैंने यहाँ पे अपनी फील्ड वैल्यूज और फॉर्म जनरेट किया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे ये टेबल आप ले सकते हो और अगर आपको यहाँ पे ये बॉर्डर्स नहीं चाहिए टेबल की, तो टेबल की कोई भी रो के ऊपर जाओ और वहाँ डबल क्लिक करो, टेबल प्रॉपर्टीज ओपन करो, यहाँ पे टेबल टैब के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे जो बॉर्डर इज इक्वल टू जो वन लिखा हुआ है वहाँ पे जीरो कर दो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी टेबल की जो भी बॉर्डर्स होगी वो बॉर्डर्स वहाँ से हट जाएगी। ओके, और यहाँ से सीधा आप उसको अप्लाई और ओके कर सकते हो। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप वहाँ पे कर सकते हो, तो वहाँ से टेबल की बॉर्डर्स भी सारी हट जाएगी। मैं यहाँ पे उसको वापस ला देता हूँ, आपको अगर नहीं चाहिए तो आप वहाँ से उसको जीरो कर सकते हो। तो चलिए हम सीधा देखें कि पर्टिकुलर जो भी मैंने इनपुट एलिमेंट सारे लिए हुए, यानी कि जो मेरे ये सारे टेक्स्ट बॉक्स है और टेक्स्ट एरिया बटन जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उसका मैंने वहाँ पे नाम, फील्ड नेम क्या लिया हुआ है, तो वन बाय वन चेक करें। तो फर्स्ट नेम का जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम है यहाँ पे एफ नेम। दोस्तों ये याद रखना जरूरी है कि आप यहाँ पे क्या नाम दे रहे हो। अगर आप सेम चीज़ जो बुक के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है और पर्टिकुलर शायद मेरे वीडियोस में मैंने जो जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने ये जो फील्ड नेम लिखा हुआ है उसी के मुताबिक आप अगर काम करने जाओगे तो ऑब्वियसली आपकी जावास्क्रिप्ट वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इट्स अ कंपल्सरी टू रिमेम्बर डैट कि यहाँ पे आप जो नाम लिख रहे हो वो नाम आपको अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐड करना पड़ेगा। डिट्टो कॉपी जावास्क्रिप्ट किसी भी प्रोग्राम की वहाँ पे चलने वाली नहीं है। तो मैंने फर्स्ट नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है उसका नाम मैंने यहाँ पे एफ नेम लिया हुआ है, लास्ट नेम का फील्ड नेम मेरा वहाँ पे एल नेम है,
ईमेल का जो टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है उसका फील्ड नेम मैंने ईमेल लिया हुआ है, फोन नंबर का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम यहाँ पे पी नंबर दिया हुआ है, ओके। फिर ये जो एड्रेस है उसका टैक्स एरिया का नाम मैंने यहाँ पे एड्रेस लिया हुआ है, उसकी 7 रोज एंड 40 कॉलम्स का मेरा एक टैक्स एरिया यानी कि मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है। फिर पिन कोड का जो टैक्स बॉक्स हम की टैक्स बॉक्स की बात करें तो पिन कोड का टैक्स बॉक्स का नाम है यहाँ पे पिन कोड, हाइट का टैक्स बॉक्स का नाम हाइट लिया हुआ है, और वेट का टैक्स बॉक्स का नाम हमने यहाँ पे वेट लिया हुआ है। अगेन कमेंट के लिए अगेन हमने टैक्स एरिया लिया हुआ है और टैक्स एरिया का वहाँ पे फील्ड नेम हमने लिया हुआ है कमेंट, और सेम वहीं पे 7 रोज एंड 40 कॉलम्स के मुताबिक हमने टैक्स एरिया क्रिएट करा हुआ है। इसके बारे में हम अगर अपनी जावास्क्रिप्ट बारे में बात करें तो दोस्तों ये रही उसकी जावास्क्रिप्ट जो पर्टिकुलर वेब पेज के ऊपर हमें अप्लाई करनी है। तो अलग अलग हमने जितने भी टैक्स बॉक्स और टैक्स एरिया लिए हुए होंगे उन सबके यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, यानी कि मैंने पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर टोटली जितने भी टैक्स बॉक्स और टैक्स एरिया लिए हुए तो उतने यहाँ पे मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो टोटल यहाँ पे आप बोलो तो मेरे यहाँ पे 9 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर करे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। पर्टिकुलर लाइन ये कहती है कि वेर यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट कीवर्ड है जो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए काम आएगा। यहाँ पे ए टू आई जो आपको दिख रहा है डेट इज माई वेरिएबल्स नेम, ये लाइन कह रही है कि पर्टिकुलर जो मेरा फर्स्ट नेम है उसके अंदर मैंने जो वैल्यूज डाली हुई होगी वो वैल्यूज यहाँ पे कौन से वेरिएबल में स्टोर करनी है, ए नाम के वेरिएबल में। लास्ट नेम में जो लिखूंगा वो लास्ट नेम कहाँ पे स्टोर करना है, बी नाम के वेरिएबल के अंदर, ओके। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो तो बुक के अंदर शायद आपको फॉर्म 1 या फिर फॉर्म 2 लिखा हुआ होगा, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट अंकित लिखा हुआ है, तो अंकित मीन्स यहाँ पे मेरा आएगा अपना फॉर्म का नेम, ओके। मैंने जब वेब पेज क्रिएट करने के टाइम पे जो भी मैंने अपना फॉर्म का नेम लिखा हुआ होगा वो मुझे यहाँ पे लिखना है, ना कि बुक के अंदर जो लिखा हुआ है वो, या फिर मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो डिट्टो आपको नहीं लिखना है। जो आप अपना फॉर्म का नाम वहां पे लिख रहे हो वो यहाँ पे आपको लिखना है। फिर यहाँ पे जो एप नेम लिखा हुआ है, तो जैसे मैंने बताया था अभी पहले कि हर एक अपने टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट एरिया के ऊपर डबल क्लिक करके मैंने अपनी फील्ड नेम बताई, तो वो जो आपने पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के बारे में आपने जो यहाँ पे फील्ड नेम लिखा हुआ हो वो आपको यहाँ पे लिखना है, ओके। अगर आप इन दोनों में यहाँ पे गलती करोगे ये लिखने में तो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं होगी, वहां पे एरर आने के चांसेस नहीं होंगे। और जावास्क्रिप्ट अगर आप विदाउट कुछ लिखा हुआ या फिर ब्लैंक फॉर्म सबमिट करने जाओगे तो वो अलाउ कर देगा, ओके। जावास्क्रिप्ट हमें इसलिए लिखनी हुई होती है कि अगर वहां पे कुछ गलत वैल्यूज या फिर वहां पे ब्लैंक फॉर्म सबमिट हो तो हमें वहां पे एरर मैसेज दिखाई देगी, भाई फील्ड वैल्यू खाली है तो आप वहां पे प्रॉपरली वैल्यू एंटर करो, ओके। तो ये चीज है, तो आपको यहाँ पे ये अपडेट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में, आपने जो वैल्यूज लिखी हुई हो जो नाम दिए हो उस नाम के मुताबिक आपको इन सब में वहां पे वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी। वन बाय वन कंडीशन चेक करने जाए तो हमने जितने भी वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर करे हुए हैं सारे वेरिएबल्स के बारे में आपको यहाँ पे कंडीशन लिखनी पड़ेगी। जितने भी टेक्स्ट बॉक्स लिए हो टेक्स्ट बॉक्स के लिए यहाँ पे ये कंडीशन लिखना है कि इफ ए इज इक्वल टू नल और ए इज इक्वल टू डबल कोट विदाउट स्पेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर देना है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में मैसेज लिखना है अलर्ट प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम प्रॉपरली, यानी कि यहाँ पे अगर आपका फर्स्ट नेम खाली रहेगा तो आपको ये मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा कि प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम प्रॉपरली। ये लाइन ये कहेगी कि जो भी पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर एफ नेम वाली जो फील्ड है तो एफ नेम वाली फील्ड के ऊपर कर्सर वहां पे ब्लिंकिंग करता हुआ दिखेगा विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। तो फोकस मेथड का काम यहाँ पे ये रहेगा कि पर्टिकुलर फील्ड आपकी अगर खाली है तो उस फील्ड के ऊपर जहां भी आपकी फील्ड खाली मिलेगी वहां पे उस फील्ड के अंदर कर्सर ब्लिंकिंग करता आपको दिखाई देगा, यानी कि फोकस मेथड वहां पे डायरेक्टली आपको ले जाएगा जहां पे आपका वो फॉर्म की वैल्यू जहां पे फिलअप करनी बाकी होगी वहां पे, ओके। तो वैसे ही यहाँ पे ये फर्स्ट नेम के लिए लिखा हुआ है, यहाँ पे ये आएगा लास्ट नेम, कंडीशन दोनों में सेम ही है, सिर्फ वहां पे एरर मैसेज चेंज करना है और यहाँ पे पर्टिकुलर फील्ड का जो नाम लिखा हुआ है वो फील्ड का नाम हमें वहां पे चेंज करना है। अब
यहाँ पे ये एक अलग कंडीशन आई है, अलग कंडीशन यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट के बारे में, जैसे कि मैंने वहां पे बर्थ डेट लिया हुआ है, तो बर्थ डेट के लिए मैंने वहां पे अलग अलग तीन ड्रॉप डाउन मेनू लिए हुए हैं, डेट, मंथ एंड ईयर वाइज। ओके, तो ये कंडीशन ये कहेगी कि इफ डॉक्यूमेंट डॉट अंकित डॉट डेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डबल कोट में -1, यानी कि अंकित नाम का फॉर्म, मेरा फॉर्म का नाम है, डेट यानी कि जो मैंने पहला ड्रॉप डाउन लिस्ट लिया हुआ है उसका नाम मैंने वहां पे डेट लिया हुआ है। ओके, सेम चीज वहां पे अलर्ट मैसेज प्रिंट करना है। यहाँ पे -1 का मतलब ये रहेगा कि जब भी आप वहां पे वैल्यूज एंटर करने जाओगे तो वैल्यूज एंटर करने के लिए सबसे पहले वहां पे उसको एज अ वैल्यू देनी पड़ेगी -1। देखते हैं कैसे देना है वो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक जगह बनाता हूँ और अगेन एक यहाँ पे एक सिलेक्शन लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ एक डमी पर्पज का, सिर्फ बताने के लिए। तो यहाँ से मैंने सिलेक्शन लिस्ट लिया और लिस्ट नेम में यहाँ पे एक लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं यहाँ पे एक लिखूंगा डेट, यहाँ से एड ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे वैल्यू लिखनी है, तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे डेट। ओके, और या फिर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, मगर यहाँ पे जो नीचे की साइड पे आपको वैल्यू दिख रहा है वहां पे आपको लिखना पड़ेगा -1 एंड अगेन एड ऑप्शन, फिर 1 ऑटोमेटिक वैल्यू वहां पे मिल जाएगी 1, क्योंकि आप ऊपर जो टैक्स लिखोगे नीचे टैक्स वही आने वाली है, तो 2 वैसे करके, 3 वैसे करके, 4। तो बाय डिफॉल्ट वहां पे सिलेक्शन -1 रहेगा जो डेट के ऊपर हमने फिक्स करके रखा हुआ है। तो इसका मतलब वहां पे ये रहेगा कि अगर वहां पे ये ऑप्शन सिलेक्टेड है तो एरर मैसेज जनरेट होनी चाहिए। ओके, तो वैसे करके आप वहां पे अपना वैल्यूज जनरेट करा सकते हो, जो भी एरर्स आएगी वो उसके मुताबिक, जितने भी आप वहां पे सिलेक्शन लिस्ट ले रहे हो सबके अंदर आपको वहां पे एज ए वैल्यू -1 डिक्लेयर करानी पड़ेगी, जैसे मैंने अपने प्रोग्राम में करा है वैसे आप वहां पे कर सकते हो। तो अगेन हम बैक टू जाए अपने जावास्क्रिप्ट के कोड के ऊपर, तो वही चीज मैंने वहां पे डेट के लिए लिखा हुआ है, फिर मैंने वही चीज मंथ के लिए लिखा हुआ है, वही चीज मैंने ईयर के लिए भी लिखा हुआ है, और ये सारा कोड मैंने वहां पे अगेन मेरे ये ईमेल के लिए है। फिर यहाँ पे जो मुझे फोन नंबर ऐड करना था, फोन नंबर के लिए मैंने कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई कि एक तो मेरा फोन नंबर खाली नहीं होना चाहिए, जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स रहेगा फोन नंबर का वो, और यहाँ पे कंडीशन चेक करा रहा हूँ कि वो एक नंबर होना चाहिए, कोई भी अल्फाबेट वहाँ पे एंटर ना कर सके वो चीज, यहाँ पे वो मिनिमम 10 कैरेक्टर्स और मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स यानी कि 10 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए और 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो कंडीशन मैंने यहाँ पे चेक कराई है। अगर मुझे वहां पे अल्फाबेट्स या फिर 10 डिजिट से कम या ज्यादा मिलेंगे वहां पे, तो यहाँ पे ये अलर्ट मैसेज डिस्प्ले होगा कि भाई प्लीज एंटर योर फोन नंबर प्रॉपरली, 10 डिजिट्स रिक्वायर। ओके, और बाकी की कंडीशन सेम एज इट इज वही जाएगी, पिन कोड है तो वहां पे 6 डिजिट चेक करा है, ना 6 से ज्यादा ना 6 से कम, अल्फाबेट्स भी नहीं चाहिए। ओके, तो उसी तरीके से ये सारी जावास्क्रिप्ट मैंने अप्लाई कराई, जावास्क्रिप्ट कंप्लीटली टाइप हो जाए सारे एलिमेंट्स जो भी हमने इनपुट एलिमेंट्स लिए हैं सबके लिए, तो ये पूरी जावास्क्रिप्ट को क्या करो, कॉपी करो, एडिट मेनू में जाओ, पूरी आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। ओके, और कॉपी करने के बाद कंपोजर में जाओ और इंसर्ट मेनू में जाकर HTML ऑप्शन पे क्लिक करो, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके पेस्ट करोगे तो आपकी पूरी जो भी जावास्क्रिप्ट आपने कॉपी करी होगी वो पूरी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगी, और यहाँ से जैसे इंसर्ट मेनू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इंसर्ट बटन के ऊपर क्लिक करोगे, आपकी जावास्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड हो जाएगी। ओके, हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे क्योंकि हमने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट ऐड करके रखी हुई है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ और अपने सोर्स टाइप में जाकर हम देखते हैं वहां पे कि जावास्क्रिप्ट कहाँ पे ऐड हुई है और मेरा सोर्स प्रोग्राम क्या है। तो हम शुरू से देखें, तो ये मेरा सोर्स कोड है, हम धीरे धीरे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके देख ले, मैंने इतनी वैल्यूज डाली हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये -1 वाली जो वैल्यूज यहाँ पे आपको दिख रही है, तो उस हिसाब से आप वहाँ पे उसकी वैल्यूज -1 डिक्लेयर करा सकते हो, ये डेट के लिए है। अगेन यहाँ पे आप देख सकोगे तो यहाँ पे वो मंथ के लिए -1 डिक्लेयर करा हुआ है, ये ईयर के लिए -1 डिक्लेयर करा हुआ है, और ये पर्टिकुलर वैल्यू है 12345, यहाँ पे ये मंथ के लिए वैल्यू है 12345 एक्सेट्रा, ये सारे वहाँ पे जो भी इनपुट एलिमेंट सारे लिए हुए वो, अगेन ये सिटी सिलेक्शन लिस्ट आया उसके लिए मैंने अलग अलग सिटीज के नाम लिखे हैं, वहाँ पे उसकी वैल्यू है, ये आपको यहाँ पे चूज सिटी और वहाँ पे मैंने उसको -1 ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, तो
इस हिसाब से आप वहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट जनरेट करा सकते हो। यहाँ से हमने जो भी जावास्क्रिप्ट कॉपी करके इंसर्ट करा हुआ था वो सारी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो चुकी है, यानी कि वेब पेज के ऊपर आपका कर्सर जहाँ पे भी होगा वहाँ पे वो जावास्क्रिप्ट क्या कर देगा, अप्लाई कर देगा, यानी कि उस लाइन से वहाँ पे नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट आपको देखने को मिलेगी। एंड लास्ट में वहाँ पे सबमिट एंड रिसेट बटन और अपना एचटीएमएल प्रोग्राम खत्म। ओके, तो अपने जावास्क्रिप्ट सक्सेसफुली ऐड हो गई होगी, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि स्क्रिप्ट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ गया है। एचटीएमएल टैग्स पे देखो तो ये सारे एचटीएमएल टैग यहाँ पे देख सकते हैं। टेबल के ऊपर काम करा हुआ है तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा आपको एचटीएमएल टैग दिखेंगे, तो येलो कलर के मार्कर आपको वहाँ पे वो एचटीएमएल टैग इंडिकेट करेंगे। ओके, प्रीव्यू में जाके देखें तो शायद वेबसाइट वेब पेज ब्राउजर के अंदर आपको इस टाइप का कुछ देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे सीधा सीएसएस अप्लाई करें तो वापस सब अपने नॉर्मल मोड पे आ जाए, और यहाँ पे जो कास्केड बटन दिया गया है वो उस कास्केड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और सीएसएस ऐड करेंगे। दोस्तों हम यहाँ पे दो टाइप के सीएसएस ऐड करेंगे, एक तो हेडिंग के लिए हम अलग से सीएसएस ऐड करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट के लिए हम एक अलग से सीएसएस ऐड करेंगे। तो अब हम यहाँ पे सीएसएस ऐड करें, सबसे पहले हेडिंग के लिए बनाएंगे, तो यहाँ पे कास्केड बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे सी एस एस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है जहाँ पे आपको चार अलग अलग टाइप के रेडियो बटन दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक सी एस एस रूल्स को समझेंगे, तो हम यहाँ पे सेकंड वन वाली और थर्ड वन वाली को हम वहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एंड फोर्थ वन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे, तो अभी फिलहाल सेकंड वन के ऊपर हम फोकस करें और सेकंड डीआईबी यानी कि जो सी एस एस है उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आपको डॉट ऑप्शन दिखाई देगा बाय डिफॉल्ट, और थर्ड पे ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट हैश सिंबल आपको दिखाई देगा। अगर डॉट सिंबल की सीएसएस आप बना रहे हो तो इट्स डिपेंड, इट्स अ क्लास, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिमेंट ऑफ ऑल क्लास, तो एक क्लास टाइप की सीएसएस जनरेट होगी। और अगर आपने थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करा हुआ है और हैश सिंबल इंडिकेट करा हुआ है तो डेट इज इट्स अ आईडी टाइप की सीएसएस जनरेट होगी। हम यहाँ पे क्लास टाइप की सीएसएस जनरेट करेंगे और यहाँ पे एक नाम दे रहे हैं हेडिंग, क्योंकि हम यहाँ पे हेडिंग के लिए बना रहे हैं। हेडिंग नाम देने के बाद सीएसएस का हम यहाँ पे क्रिएट स्टाइल रूल पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका एक जनरल टेक्स्ट बॉक्स आ गया है कि जो भी आप सीएसएस आप सिलेक्ट करोगे वो सारी सीएसएस का कोडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अलग अलग यहाँ पे सीएसएस के टोटल 6 मेनूज दिख रहे हैं, जिसमें से मैं यहाँ पे टेक्स्ट टैब के ऊपर क्लिक करूंगा, मुझे पर्टिकुलर जिस टाइप की टेक्स्ट चाहिए उस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। फॉन्ट साइज मुझे जितनी वहाँ पे चाहिए थी वो मैं फॉन्ट साइज वहाँ पे लिख रहा हूँ। कलर मुझे चाहिए वो मैं कलर यहाँ पे ले रहा हूँ, और अलाइनमेंट यहाँ पे मैं सेंटर कर रहा हूँ। जो भी मैंने सीएसएस बनाई वो सीएसएस देखो आप यहाँ पे मुझे दिख रही है, अब मुझे इतना ही काम करना है तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ ओके। अब जो सीएसएस मैंने बनाई उसका कोड तो यहाँ पे मेरे सोर्स टैब में आ गया ऊपर, ये देखो। अब मुझे उसको वो बताना पड़ेगा कि ये सीएसएस जो मैंने क्रिएट करी हुई है मुझे अप्लाई कहाँ करनी है। तो मुझे पता है वो मुझे अप्लाई कहाँ करना था, तो मेरा जो हेडिंग मैंने लिखा हुआ है वहां पे मुझे अप्लाई करना था, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे कि मेरा हेडिंग कहाँ पे है। तो आप देख सकोगे मेरा हेडिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, पर्टिकुलर हेडिंग के आगे मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा, एक सिंपल सा एक कोड है वो लिखना पड़ेगा, डीआईवी। हमने डॉट वाली सीएसएस क्रिएट करी हुई है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास इज इक्वल टू डबल कोट में अपनी सीएसएस का नाम यानी के हेडिंग डबल कोट ओवर ब्रैकेट ओवर, और जहाँ पे वो नाम खत्म होता है वहां पे डीआईबी को टैग को हमें क्लोज कर देना है। और जैसे ही मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगा तो आप वहां पे देख सकोगे मेरी सीएसएस वहां पे जनरेट हो गई, यानी कि जो सीएसएस मुझे जैसी चाहिए थी वैसी वहां पे मुझे मिल गई है। ओके, अगेन मैं एक सी एस एस बनाऊंगा जो मुझे पूरे टेबल के ऊपर चाहिए, तो मैं अगेन यहाँ पे कास्केड बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और अगेन मुझे सी एस एस स्टाइल सीट वाला डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, मगर जो पहला वाला जब आया था ना यहाँ पे चार रेडियो बटन दिख रहे थे वो नहीं आ रहा, तो अब वो मुझे वापस लाना हो तो मैं कहाँ से लाऊंगा। तो अगेन वहाँ पे एक छोटा सा कास्केड बटन दिख रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो अगेन आपको जो पहले वाला जो सबसे पहले हमने लिया था सी एस एस हेडिंग के लिए वैसा वाला आपको व्यू यहाँ पे दिखाई देगा। अगेन मैं यहाँ पे क्लास पे ही क्लिक कर रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे आईडी पे भी क्लिक कर सकते हो मगर वहाँ पे कुछ और लिखना पड़ेगा आपको। तो चलो हम देखते हैं कि आईडी पे से भी हम कैसे सीएसएस अप्लाई करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे आईडी ले
और यहाँ पे मैं उसको नाम दे रहा हूँ ऑल करके, और क्लिक ऑन क्रिएट ए स्टाइल रूल। अब टेक्स्ट टाइप के ऊपर क्लिक करके मुझे जिस टाइप के फॉन्ट चाहिए उस टाइप के फॉन्ट में यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मुझे चाहिए ये टाइप के फॉन्ट, मुझे फॉन्ट की साइज इतनी चाहिए, मुझे कलर चाहिए यहाँ पे ग्रीन, और बैकग्राउंड ले लूँ मैं यहाँ से ये वाला। ओके, और कुछ नहीं तो हम यहाँ पे ओके करेंगे। अगेन मैंने जितना भी सीएसएस लिया होगा उतना कोड मुझे यहाँ पे जनरल टैब के ऊपर दिखाई देगा। अब मैं ओके करूँगा तो अगेन मैंने जो सीएसएस लाई वो सोर्स कोड के अंदर ऐड तो हो गई। यहाँ पे देखो ये आ गई है, मगर ये मुझे अप्लाई कहाँ करनी है मेरे टेबल के अंदर। तो मुझे जहां पे भी अप्लाई करनी होगी वहां पे मुझे उसके आगे पीछे मीन्स वो कोड लिखना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे पूरे टेबल के ऊपर अप्लाई करनी है, तो मुझे यहाँ पे एक टेबल टैग है टी बॉडी करके, वहां पे मुझे उसको सीएसएस का कोड अगेन कंटिन्यू लिखना पड़ेगा कि टी बॉडी डीआईबी इज इक्वल टू, सॉरी डीआईबी इज इक्वल टू, हमने हैज लिया हुआ है तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा आईडी इज इक्वल टू डबल कोट में ऑल, ओके एंड डबल कोट ओवर ब्रैकेट ओवर। और जहां पे ये टी बॉडी क्लोज होता है जो सबसे नीचे होगा ये रहा, उसके पहले आपको डीआईबी को वहां पे क्लोज करना है एंड कंट्रोल एस। आप देख सकोगे यहाँ पे आपको वो पूरा आ गया जो भी सीएसएस हमने अप्लाई करी थी वो। अब मैं यहाँ फिर से क्या कर रहा हूँ, जो टेबल प्रॉपर्टीज के अंदर जो बॉर्डर्स लिखी हुई थी वो बॉर्डर्स मुझे नहीं चाहिए, तो अगेन टेबल के ऊपर डबल क्लिक, टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पे दो सेल आप दो टैब बटन आपको दिख रहे हैं, एक तो टेबल और सेल्स। टेबल वाले टैब के ऊपर क्लिक करो, वहां पे आपको बॉर्डर एंड स्पेसिंग एरिया के अंदर आपको बॉर्डर वाला ऑप्शन मिलेगा, जहां से आपको वन लिखा हुआ है वहां पे जीरो कर देना है और अप्लाई एंड ओके। तो जो बॉर्डर्स थी वो बॉर्डर्स सारी इनविजिबल हो जाएगी। यहाँ पे फॉर्म जो लंबा दिख रहा है वो थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस है, मैं वहां से उसको थोड़ी डिलीट कर देता हूँ ताकि एक्स्ट्रा स्पेस वहां से निकल जाए, तो अपना फॉर्म भी वहां पे छोटा छोटा लगे। इसको मैं अभी सेव कर रहा हूँ और ब्राउजर में जाके आउटपुट देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो ये है आउटपुट, आपने जो टेबल के ऊपर काम करा था जो सीएसएस सप्लाई करी थी उसके मुताबिक ऐसा कुछ आउटपुट वहां पे दिखेगा। अब पूरा फॉर्म मेरा खाली है, हमने जावास्क्रिप्ट अप्लाई करी है, सीएसएस तो हमें दिखाई दे रही है कि हमने जो ली हुई थी वो सारी यहाँ पे आ गई है, और जावास्क्रिप्ट आई कि नहीं चेक हुआ है, नहीं प्रोग्राम कंप्लीट चल रहा है कि नहीं वो अब हम चेक करेंगे। तो सीधा मैं क्या कर रहा हूँ कि पूरा फॉर्म खाली है और मैं यहाँ सब रजिस्टर बटन के ऊपर यानी कि सबमिट बटन जो लिया हुआ है, नाम मैंने उसका सबमिट का रजिस्टर रखा हुआ है, मगर है मेरा यहाँ पे सबमिट बटन। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रजिस्टर बटन पे क्लिक कर रहा हूँ वहां पे देखो एक एरर मैसेज आ रहा है कि प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम प्रॉपरली। जैसे ही मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ देखो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है। तो ये कर्सर ब्लिंकिंग यहाँ पे क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, तो हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर एक लाइन लिखी हुई थी डॉक्यूमेंट डॉट अंकित डॉट एफ नेम डॉट फोकस, तो वो जो फोकस मेथड लिखी हुई थी ना उसकी वजह से यहाँ पे आपको जो भी आपकी फील्ड खाली है उसके अंदर वो कर्सर ब्लिंकिंग आपको दिखाई देगा। जैसे कि देखो मेरा कर्सर अभी मैंने ब्लिंकिंग कर रहा हूँ मैं एड्रेस के अंदर, अभी रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये कर्सर एड्रेस में से ब्लिंकिंग करता हुआ वो फर्स्ट नेम पे चला जाएगा। देखो मैसेज मिला, अब जैसे ओके करूंगा कर्सर मेरा यहाँ ब्लिंकिंग करेगा ताकि यूजर्स को पता चलेगा कि आपकी वैल्यूज कहाँ पे फिलअप करनी बाकी है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक नाम लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक नाम लिखा, अगेन रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि हमें चेक करना है कि मेरे सारे इनपुट एलिमेंट पे जावास्क्रिप्ट वर्क कर रही है या नहीं, इसलिए हम वन बाय वन सब चेक करेंगे। तो अगेन एक मैसेज आया प्लीज एंटर योर लास्ट नेम प्रॉपरली, तो मैं यहाँ पे अपना लास्ट नेम भी लिखूंगा, अगेन चेक करूंगा तो चूज योर बर्थ डेट आया, तो मैं यहाँ पे अपनी बर्थ डेट सिलेक्ट कर रहा हूँ, अगेन रजिस्टर करूंगा तो मंथ के लिए पूछेगा कि प्लीज चूज योर बर्थ मंथ, तो मेरा जो बर्थ का मंथ होगा वो मैं वहाँ पे सिलेक्ट करूंगा।
अगेन रजिस्टर, तो मुझे पूछेगा ईयर सिलेक्ट करो, तो यहाँ से ईयर सिलेक्ट करना है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे पर्टिकुलर ये ईयर में माइनस वैल्यू डाला हुआ है, यहाँ पे मंथ में माइनस वैल्यू डाला हुआ है, यहाँ पे डेट के अंदर माइनस वैल्यू डाला हुआ है। इसलिए अगर बाय डिफॉल्ट वहाँ पे वो सिलेक्टेड होगा, -1 उसको मिलेगा, तो वहाँ पे एरर मैसेज जनरेट होगा। ओके, अगेन ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी भी यहाँ पे आप लिख सकते हो ankit@gmail.com। ओके, वैल्यूज भी देख ले, चलो वहाँ पे एरर मैसेज आती है नहीं आती, तो प्लीज एंटर योर ईमेल प्रॉपरली, तो ईमेल लिख दिया। फोन नंबर चाहिए, तो चलो क्लिक करके देखे, तो प्लीज एंटर योर फोन नंबर प्रॉपरली, 10 डिजिट्स रिक्वायर। ओके, तो यहाँ पे 10 डिजिट्स लिख दो। फॉर एग्जाम्पल आपने इतने ही लिखे हुए हैं, रजिस्टर कर रहे हो तो अगेन मैसेज आता है, ज़्यादा लिखोगे अगेन रजिस्टर करोगे एरर मैसेज आएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे कितने डिजिट्स आइए, 10 डिजिट्स। तो कंपलसरी यहाँ पे 10 डिजिट्स लिखोगे, रजिस्टर करोगे, तो ही वहाँ पे एरर मैसेज हटेगा। मगर ये एरर मैसेज आ रहा है किसके लिए, एड्रेस के लिए, तो यहाँ पे अगेन एड्रेस लिखो कि आप कहाँ पे कहाँ से बिलोंग कर रहे हो। तो आपका एड्रेस सपोज यहाँ पे लिखा, अगेन रजिस्टर पे क्लिक करो, सेम जैसा फोन नंबर के ऊपर हमने लिखा था वैसा ही यहाँ पे पिन कोड के ऊपर आया, हमने इतना पिन कोड लिखा 5 डिजिट का, तो भी एरर मैसेज आएगा। 7 डिजिट का लिखेंगे फिर भी एरर मैसेज आएगा, 6 डिजिट रिक्वायर, अब एरर मैसेज पिन कोड के लिए नहीं आएगा। ओके, पिन कोड के लिए एरर मैसेज निकल गया, अब आया एरर मैसेज सिटी के लिए। सिटी को सिलेक्ट करें, यहाँ से पर्टिकुलर बिलोंगिंग योर सिटीज, अगेन रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हाइट पूछेगा, तो हाइट डालने के लिए पूछेगा, तो हमने हाइट की वैल्यूज डाली। अगेन हम यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका वो वेट पूछेगा, तो यहाँ पे वेट डालो कि आपका वेट कितना है, वेट डालेंगे, अगेन रजिस्टर पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे आ रहा है प्लीज एंटर योर कॉमेंट प्रॉपरली, तो जो भी आपको कॉमेंट यहाँ पे लगे वो कॉमेंट यहाँ पे दो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कॉमेंट लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपको वहां पे सेकंड पेज देखने को मिलेगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको second.html करके वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो आई होप कि इस जावास्क्रिप्ट के बारे में आपको जो भी कुछ समझाया गया, या फिर डिटेल में आपको जो भी कुछ समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।